Okay, so this is the zoology paper of Adamji Coaching Center. अच्छा भाई, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस व्हिच ऑपरेट्स इन द लिवर सेल्स एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच यूरिया इज फॉर्म्ड फ्रॉम अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमाइनो ग्रुप. तो ये दो तीन चीज़ें मिलकर जो है वो यूरिया बनाती हैं और ये लिवर के अंदर होता है, तो इसे हम यूरिया साइकिल भी कहते हैं और इसका मेन जो नेम है वो ऑर्निथिन साइकिल भी है, बिकॉज कहानी जो है वो ऑर्निथिन से स्टार्ट होती है. ऑर्निथिन से सेट्रुलिन बनता है, सेट्रुलिन से आर्जिनिन बनता है और आर्जिनिन से वापस साइकिल कंप्लीट होती है तो ऑर्निथिन बन जाता है और साथ में यूरिया जो है वो अलग हो जाता है. ठीक है, तो ये कहलाती है ऑर्निथिन साइकिल. इसमें कुछ आंसर्स लगे हुए हैं बट वो सही नहीं लगे हुए शायद. कैपिलरी टफ्ट फ्रॉम विच फ्लूइड लीव्स द सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वो क्या कहलाता है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका जो कि आपका आर्टरीज और वेन्स वाला जो सिस्टम है जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, तो वो कौन सा कैपिलरी का टफ्ट है, कैपिलरी का बंच है कि जिससे सर्कुलेटरी सिस्टम से फ्लूइड लीव कर जाता है, तो वो कैपिलरी टफ्ट जो है वो कहलाता है ग्लोमेरुलस. जो बोमेंस कैप्सूल होता है उसके अंदर यहाँ पे कैपिलरीज का एक गुच्छा लगा हुआ होता है, ठीक है, जिसको आप ग्लोमेरुलस कहते हैं. तो आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो इससे कनेक्टेड होता है, ठीक है. सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ से ब्लड आता है और इस सर्कुलेटरी सिस्टम में से फ्लूइड लीव करता है इस पॉइंट पे और वो बोमेंस कैप्सूल के अंदर आता है. तो ये बोमेंस कैप्सूल है जो कि एक ये ग्लोमेरुलस है जो कि कैपिलरी का एक जाल, एक नेटवर्क है जिसमें से फ्लूइड निकल जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में से फ्लूइड इस लेवल के ऊपर निकल जाता है. नाउ इन विच स्केलेटल डिफॉर्मिटी पेन इज फेल्ट इन द लोअर बैक. सो लोअर बैक के अंदर पेन आता है, बटक्स के अंदर आता है, वेरियस पार्ट्स ऑफ द लेग के अंदर जो पेन आता है वो किस बीमारी के अंदर आता है स्केलेटल डिफॉर्मिटी में? तो वो शियाटिका के अंदर आता है. शियाटिक नर्व होती है जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड से फॉर्म होती है, स्पाइनल कॉर्ड से निकल के हमारी जो है वो लोअर लिम्स के अंदर आती है, दोनों पैरों के अंदर आती है. ये मसल्स को भी सप्लाई करती है और स्किन को भी सप्लाई करती है, सेंसरी सप्लाई भी करती है. तो ये शियाटिक नर्व जो है ये अगर कंप्रेस हो जाए तो फिर जो पेन होता है, जो प्रॉब्लम होती है, उसको हम शियाटिका का नाम देते हैं, जिसमें लोअर बैक में भी पेन फील होता है और बटक्स के अंदर भी आता है और वेरियस पार्ट्स ऑफ द लेग में भी आता है. ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर जो बोन्स थिन हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं मेनोपॉज के बाद, ये कॉमन है फीमेल के अंदर, लेकिन मेल्स के अंदर भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है एज रिलेटेड. आर्थराइटिस से जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन होती है. मेजर रेगुलेटरी प्रोटीन मसल टिश्यूज़ के अंदर जो रेगुलेटरी प्रोटीन होती है वो मायोसिन और एक्टिन होता है. नाउ विद इन अ सार्कोमेयर, सार्कोमेयर जो है ये यूनिट होता है आपका, मायोफिब्रिल्स जो होते हैं हमारे पास मसल के अंदर उसका सबसे छोटा यूनिट जो है वो सार्कोमेयर होता है, जो एक जी लाइन से दूसरी जी लाइन के दरमियान में होता है. तो इसमें एक्टिन और मायोसिन जो है वो अरेंज होते हैं, तो एक मायोसिन के अराउंड 6 एक्टिन होते हैं जो कि आपको नज़र 4 आ रहे होते हैं लेकिन असल में वो 6 होते हैं. तो 6 एक्टिन जो है वो आपके थिक फिलामेंट जो है वो मायोसिन है और थिन फिलामेंट जो है वो एक्टिन है. नाउ विच ब्रेन एरिया कोऑर्डिनेट्स स्केलेटल मसल मूवमेंट, तो मसल की मूवमेंट, मसल की कोऑर्डिनेशन जो है वो सेरिबेलम से कंट्रोल होती है. एमिग्डाला जो है ये फेयर सेंटर होता है, फेयर जो है इमोशंस जो है वो यहाँ से कंट्रोल होते हैं. हाइपोथैलेमस से बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस कंट्रोल होते हैं जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल होता है, इसके अलावा आपकी थर्स्ट वगैरह कंट्रोल होती है हाइपोथैलेमस से. और थैलेमस जो है वो रिले सेंटर होता है. रिले सेंटर का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके सारे जो पैगामात हैं, बॉडी से जितने भी पैगामात हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आते हैं, तो ये रिले सेंटर होता है. नाउ इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन स्लीपिंग एंड अवेकनिंग. तो आपका जो ब्रेन स्टेम होता है ये स्लीप और अवेक साइकिल की जो है वो कंट्रोल करता है. यहाँ से स्लीप और अवेकनिंग यहाँ से कंट्रोल होती है. हिपोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी को कंट्रोल करता है. नाउ इट इज़ अ डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग रिपीटेड सीजर्स ऑफ एनी टाइप. तो रिपीटेड सीजर्स जो हैं, बार बार के सीजर्स जो हैं, उसको हम एपिलेप्सी का नाम देते हैं. पार्किंसन डिजीज़ वो होती है कि जिसके अंदर डीजनरेशन हो रही होती है न्यूरॉन्स की, जो कि डोपामीन प्रोड्यूस करते हैं, तो डोपामीन प्रोड्यूस करने वाले न्यूरॉन्स जो हैं वो इसके अंदर कम हो जाते हैं. ये भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम है. और अल्जाइमर जो है इसके अंदर डिमेंशिया हो जाता है. नाउ अ ह्यूमन फीमेल हैज़ अराउंड, तो इसके अंदर 200,000 के करीब जो है वो ओसाइट्स होते हैं दोनों ईच ओवरी के अंदर. ह्यूमन फीमेल ओनली वन ओवम इज़ यूजुअली डिस्चार्ज फ्रॉम द ओवरी एट वन टाइम. ये कहलाता है ओवुलेशन. ओवुलेशन में ओवम जो है वो रिलीज होता है ओवरी से. व्हाट इवेंट अकर्स इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन डिक्लाइन. तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है? जब ओवम जो है वो रिलीज हो जाता है ओवरी से, तो उसका जो बचा कुचा
एरिया उसका जो बचा कुछ स्ट्रक्चर था वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्ट्रॉन। आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल डिक्रीज होने लगता है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट हो रहा होता है। तो जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरी के अंदर जो भी चेंजेस आए थे वो शेड होने लगते हैं, उसको हम बिगिनिंग ऑफ मेंसेस कहते हैं। तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल जब डिक्लाइन होता है तो मेंसेस स्टार्ट होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर क्या होता है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर दो सोर्सेज से डीएनए जो है वो कंबाइन होता है, और दो सेम सोर्सेज नहीं होते बल्कि टू डिफरेंट सोर्सेज से डीएनए कंबाइन होता है। नेचुरल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल बैक्टीरिया के अंदर अगर आप देखें या कुछ फंजाई के अंदर अगर आप देखें तो एक तो उनके अंदर मेन डीएनए मौजूद होता है, ठीक है, और एक उनके पास एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। तो ये प्लाज्मिड की बात हो रही है। सम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ डाइपेप्टाइड स्वीटनर, तो वो डाइपेप्टाइड जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है वो नट्रोस्वीट कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स, दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, एक रिन्यूएबल जिससे कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, और एक नॉन रिन्यूएबल जो कि एक बार इस्तेमाल कर लेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। तो वाइल्ड लाइफ रिन्यूएबल है, एनिमल्स जो हैं या प्लांट्स जो हैं वो अपनी जनरेशन आगे बढ़ाते रहते हैं। फॉरेस्ट भी रिन्यूएबल हैं, कंटिन्यूस चलते रहते हैं। वाटर भी रिन्यूएबल है, अर्थ के अंदर जितना वाटर है वो बाहर नहीं जा रहा। नेचुरल गैस अलबत्ता जो है वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, जितनी नेचुरल गैस अंदर से निकाल ली जाएगी फिर वो ख़त्म हो जाएगी। ना ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू अ ब्रांच ऑफ द एओर्टा। सो एओर्टा हमारे पास जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलता है, घूम के नीचे आता है और फिर नीचे पूरी बॉडी को सप्लाई देता है। इससे ब्रांचेस निकलती हैं, तो किडनी की तरफ जाने वाली जो ब्रांचेस हैं वो आपकी रीनल आर्टरी कहलाती है। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि एओर्टा से ब्रांच जो निकलती है जो किडनी में एंटर होती है तो वो रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी आगे जाके डिवाइड होती है जिसमें स्मॉलर आर्टरीज बनती हैं, और उसके बाद फाइनली एफरेंट आर्टेरियोल बनता है जो कि ग्लोमेरुलस को सप्लाई देता है। ग्लोमेरुलस से निकलने वाला फिर एफरेंट आर्टेरियोल होता है। पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच एन एग इज इनक्यूबेटेड एंड कंप्लीट डेवलपमेंट एंड हैचिंग इज, तो आई डोंट रिमेंबर द टेम्परेचर करेक्टली, आई थिंक इनमें से कोई एक है 36-38 डिग्री है या 40-45 डिग्री है कि जिसके ऊपर एग्स जो है उन्हें इनक्यूबेट किया जाता है। काइंडली कन्फर्म कर लीजिएगा। नाउ विच द फॉलोइंग इज द कोल्ड डेजर्ट, तो कोल्ड डेजर्ट जो है वो गोबी डेजर्ट है और हॉटेस्ट डेजर्ट जो है वो सहारा डेजर्ट है। ये तीनों हॉट डेजर्ट हैं। अच्छा जी, रीजनिंग क्वेश्चन के पर आ जाते हैं। व्हाई डज लेवोडोपा गिवन इन पार्किंसंस डिजीज, तो लेवोडोपा जो है ये प्रिकर्सर होता है डोपामीन का, यानी ये बॉडी के अंदर जाके कन्वर्ट हो जाता है डोपामीन के अंदर। तो ये पार्किंसंस डिजीज के अंदर इसलिए दिया जाता है क्योंकि मैंने बताया था कि पार्किंसंस डिजीज जो है उसके अंदर वो न्यूरॉन्स के जो डोपामीन बनाने वाले न्यूरॉन्स होते हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं, वो डिजनरेट हो रहे होते हैं। तो ओवरऑल जो कमी होती है वो डोपामीन की होती है। तो जाहिर है जिस चीज़ की भी कमी होती है अगर आप उस कमी को पूरा कर दें तो बीमारी को बेहतर किया जा सकता है। तो लेवोडोपा जो है इसलिए दिया जाता है ताकि वो डोपामीन से डोपामीन की कमी जो है उसको वो कर सके, कवर कर सके। ना वाई हाइपोथैलेमस इज कंसिडर्ड थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, तो हाइपोथैलेमस जो है वो हमारा सेट पॉइंट जो है वो डिसाइड करता है बॉडी का जो टेम्परेचर है उसका सेट पॉइंट क्या होगा। जब बॉडी का टेम्परेचर जो है उस सेट पॉइंट से आगे पीछे होता है तो हाइपोथैलेमस जो है वो कुछ ऐसे इकदाम करता है कि जिससे बॉडी का टेम्परेचर वापस से नॉर्मलाइज किया जा सके। सो दैट इज़ वाई इसे थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी कहते हैं। सॉइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, वाई सॉइल असल में कहते किसे हैं, हमारे पास जो लैंड होती है जो ज़मीन होती है उसके ऊपर जो लेयर होती है जो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जो आपके पत्थर होते हैं या पहाड़ होते हैं उनके चूरा, और दूसरा जो डिकम्पोज मटेरियल होता है जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उससे मिलकर आपकी जो बनती है वो सॉइल कहलाती है। तो सॉइल को मेरे ख्याल में मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कहते हैं बिकॉज जो आपके जितने भी ऑटोट्रॉफ हैं जितनी भी प्लांट लाइफ है वो डिपेंडेंट होती है सॉइल के ऊपर। सॉइल जो है उससे ये प्लांट लाइफ ग्रो करती है, ऑटोट्रॉफ्स ग्रो करते हैं, एंड देन ऑटोट्रॉफ्स जो हैं उनके ऊपर पूरी की पूरी डिपेंडेंस होती है हेटरोट्रॉफ्स की। तो जितने भी आपके प्राइमरी वो हैं जितने हर्बी वोर्ड्स हैं आपके जितने भी हर्बी वोर्ड्स हैं वो सारे के सारे डिपेंड करते हैं आपके प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स डिपेंड करते हैं सॉइल के ऊपर, एंड देन हर्बी वोर्ड्स के ऊपर आपके कार्निवोर्स डिपेंड करते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो साइकिल चलती है उसको अगर आप ट्रेस करते जाएंगे तो उसकी जो बेसिस है वो आपकी सॉइल है। तो अगर सॉइल को हटा दिया जाए तो ऑटोट्रॉफ्स नहीं होंगे, ऑटोट्रॉफ्स नहीं होंगे तो जितने भी हेटरोट्रॉफ्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। नाउ हाउ द स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, स्पीशीज़ के एक्सटिंक्ट होने के मल्टीपल रीजंस जो है वो बुक के अंदर दिए हुए हैं। उसमें डिफॉरेस्टेशन वगैरह आ जाती है जब आप उनसे उनका एनवायरनमेंट ले लेते हैं, उनका घर ले लेते हैं तो उनके पास रहने की जगह नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता उनके नंबर इंक्रीज डिक्रीज होने लगते हैं, पहले वो इंडेंजर्ड के अंदर आ जाते हैं एंड देन वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं।
दूसरा कोई भी स्पीशी जो है जब तक अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट करती रहती है तब तक वो सर्वाइव करती है। जिस पॉइंट के ऊपर वो अडेप्टेशन छोड़ देती है, अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक नहीं सर्वाइव कर पाती, तो उनका नंबर आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है, उनकी प्रोपिगेशन कम होने लगती है, उनकी नस्ल कम होने लगती है, एंड इवेंचुअली एक पॉइंट आता है कि जिस पर वो एक्सटिंक्ट कर जाते हैं। तीसरा ये भी हो सकता है कि अगर कोई उनका ऐसा जिसे कहते हैं शिकारी आ गया जो कि ओवर फीडिंग कर रहा है या बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है उनका, तो उसकी वजह से भी उनका नंबर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होने लगेगा। या तो नेचुरली भी हो सकता है और मैन इंसान जो है वो भी कर सकते हैं। अगर आप एक ख़ास तरह की स्पीशीज जो है उसका शिकार करने लगे बहुत ज़्यादा, तो जितना तेज़ी से वो प्रोपगेट हो रहे थे उस उतना तेज़ी से वो मरने लगेंगे, एंड इवेंचुअली उनका नंबर इतना कम रह जाएगा कि पहले एंडेंजर्ड और फिर वो एक्सटिंक्ट स्पीशी के अंदर आ जाएंगे। ना वाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर कॉल्ड मॉलिकुलर सीजर्स, बिकॉज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं वो डी एन ए को किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर कट करते हैं, इसी वजह से इन्हें मॉलिकुलर सीजर्स कहा जाता है, और डी एन ए को काटने के काम आते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स का सेम जेंडर या सेम सेक्स क्यों होता है, उसकी वजह ये होती है कि उनका सेम डी एन ए होता है। तो जो क्रोमोजोम्स जो हैं अगर एक तो एक बेबी के अंदर जो है वो एक्स एक्स क्रोमोजोम है, तो दूसरे बेबी के अंदर भी एक्स एक्स क्रोमोजोम होंगे, तो जाहिर है दोनों के पास जब सेम सेक्स क्रोमोजोम है तो उनका जेंडर भी सेम होगा। एल्गल ब्लूम हार्मफुल क्यों होता है, एल्गल ब्लूम जो है वो एल्जी की बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स, और ये हार्मफुल इसलिए होता है बिकॉज बाकी एल्जी जब बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं तो बाकी जो लाइफ होती है उस पॉन्ड के अंदर, उस लेक के अंदर, तो वो जो है वो सफ़र करती है, उन तक ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुँच पाती, इसी वजह से एल्जी जो है एल्गल ब्लूम जो है वो हार्मफुल होता है लाइफ के लिए। ना नॉन रीजनिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर नोट है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल ईजी है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स ठीक है, वो ऑर्गन्स जो कि फंक्शनल नहीं हैं बट स्टिल एग्जिस्ट करते हैं कुछ एनिमल्स के अंदर। सम एडेप्टेशन मेड बाय टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ठीक है, ईजी है, स्किन की कवरिंग है इसके अंदर, किडनीज हैं जो कि वाटर की कंजर्वेशन का काम करती हैं, शॉर्ट नोट ऑस्मोरेगुलेशन, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड देयर कोरिलेशन, इसमें आप यूरिया अमोनिया और यूरिक एसिड के बारे में लिखेंगे, और डिफरेंट तरह के एनिमल्स जो हैं पानी में रहने वाले जो हैं वो यूजुअली अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं बिकॉज उनके पास वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है। जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वो उसे कन्वर्ट करते हैं यूरिया में या यूरिक एसिड के अंदर, जिसके लिए कम पानी चाहिए होता है। बोन्स एंड कार्टिलेज, एंटागनिस्टिक मसल, ऑपोजिट फंक्शनिंग करने वाले मसल्स होते हैं, डिफरेंट सेट्स ऑफ ईच मसल जिसमें फ्लेक्सर एक्सटेंजर्स आ जाते हैं। अल्जाइमर डिजीज, एजिंग ठीक है, थ्री नेसेसिटीज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है, डिफाइन द टर्म मेटिंग फर्टिलाइजेशन ईजी, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन ठीक है, डायग्राम नहीं है इसके अंदर, लोकोमोशन इन डिफरेंट एनिमल्स, डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स।